अचीव आई एस, माई नेम इज़ आयुष मिठी। इस वीडियो में हम 21 सितंबर के प्रिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पहला है आपके सामने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा टाइटल दिया था मोहनदास करमचंद गांधी को, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, राजा राम मोहन रॉय ने टाइटल लिया था राजा अकबर सेकंड से। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, तो सी इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए आधे बच्चों ने इसका आंसर सही किया, बिल्कुल ठीक है, लोगों को याद था, याद रहना भी चाहिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ आपको, ताकि आपका रिविज़न कॉम्प्रहेंसिवली 360 डिग्री में अच्छे से हो जाए। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर रहे थे सबसे पहले, अगर स्टेटमेंट आई गया तो गुरुदेव कहते थे इनको, और राइटर थे, पोइट थे, फिलोसोफर थे, म्यूजिशियन, कंपोजर भी थे, पेंटर बहुत अच्छे थे, इंस्टीट्यूशन खोला था इन्होंने। अच्छा, इनको कहते थे विश्व कवि, और इनका जो इंस्टीट्यूशन था उसका नाम था विश्व भारती। पेंटर थे काफ़ी अच्छे, बहुत अच्छे पेंटर थे, 2000 पेंटिंग्स इन्होंने बनाई थी, और वो भी 12 साल में, 1928 और 1940 के बीच में। और 8 साल के थे जब तो पोएम लिखने लग गए थे, 16 साल तक आते आते इन्होंने कलेक्शन निकाल दिया पोएम्स का, जिसका नाम था भानुसीमा, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर बाय गुरुदेव, भानुसीमा, ठीक है। ये तो अभी छोटी छोटी अचीवमेंट है। आगे देखो आप, 1929 और 1937 में वर्ल्ड पार्लियामेंट फॉर रिलीजन्स हुआ, स्पीच दी उन्होंने वहाँ पर जाके, ठीक है। आगे इंडिया बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा, बहुत बढ़िया। आर्ट एंड कल्चर को बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म किया, क्योंकि इनकी जो कला थी ना, कारीगरी जो आर्ट था इनका, वो अलग ही था। 2000 इमेजेस इन्होंने बनाई थी। सबसे खास बात, इनकी पेंटिंग का एक भी टाइटल नहीं था, कभी भी इन्होंने अपनी पेंटिंग को नाम नहीं दिया कि ये जो है ये इस पेंटिंग को ये मैं नाम दूंगा, कभी नहीं, ठीक है। और यूरोपियन आर्ट भी था, एंशियंट कल्चर भी था, सबको सबसे इन्होंने जो है सीख के जो है अपना कारीगरी आर्ट जो है आगे बढ़ाया। 1913 में पहले इंडियन बन गए जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला फॉर लिटरेचर, और किसके लिए मिला, गीतांजलि के लिए, नोवेल था। क्वेश्चन आ सकता कि भानुसीमा जो था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है नोवेल दिला के लेके गया था 1913 में, नहीं, नोवेल मिला था गीतांजलि के लिए। भानुसीमा फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, और 16 साल की थी जब ही रिलीज़ हो गई थी ना, तो जब 1913 तक आते आते गीतांजलि लिखी इन्होंने नोवेल, और काफ़ी जो है अच्छा ये जो है परिणाम लेके गई, और नोबेल प्राइज़ दिला के लेके गई, ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने गांधी को भी हमेशा ऐसा नहीं है सपोर्ट किया, हालांकि ज़रूरी नहीं है कि नॉन कोऑपरेशन को भी हमेशा सपोर्ट किया इन्होंने, लेकिन नॉन वायलेंस पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा रखते थे। अमर सोनर बांग्ला लिखा इन्होंने, जो बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम था। और इन्होंने राखी उत्सव स्टार्ट किया, अच्छा ये ज़रूर याद रखना, गणेश उत्सव किसने स्टार्ट किया, तिलक ने। गणपति फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया, तिलक ने। और शिवा फेस्टिवल किसने स्टार्ट किया, शिवाजी जो फेस्टिवल थे, तिलक ने। 1889 में आते आते स्टार्ट कर दिया था इन्होंने, तिलक ने। लेकिन जो राखी जो फेस्टिवल था, राखी उत्सव, वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधते थे, तो ये फेस्टिवल जो है इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राखी उत्सव। और अच्छा, जलियांवाला बाग मस्करे हुआ, तो उसमें इन्होंने अपना जो नाइटहुड था वो लौटा दिया, और गांधी जी ने अपना क्या लौटा दिया था, केसर हिंद, ठीक है, तो ये याद रखना। और कॉलोनियल जो रूल था उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो और तो बाकी जो है चीज़ें आप पढ़ते रहिएगा। अब बात करते हैं अपन राजा राम मोहन रॉय के बारे में, ये भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहते हैं। राजा राम मोहन रॉय, एक तो इनको हम कहते हैं मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ठीक है। कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं, इनके एक वर्क्स बता देता हूँ। 1809 में इन्होंने गिफ्ट टू मोनोथेसिस लिखी, वेदास को बंगाली में ट्रांसलेट भी किया, उपनिषद्स का सपोर्ट लेते थे ताकि वो अपना जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रूव कर पाए कि हिंदू टेक्स्ट मोनोथिज्म को सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने बुक भी लिखी गिफ्ट टू मोनोथेसिस, मोनोथिस्ट, 1809। 1814 में आते आते आत्मीय सभा खोली, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, सो आत्मीय सभा कलकत्ता में 1814 में। क्यों खोली, वही मोनोथिस्टिक आइडियल्स फैलाने के लिए, वेदांता की आवाज़ फैलाने के लिए, आइडोलेट्री के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए, कास्ट के अगेंस्ट कैंपेन करने के लिए, कास्ट जो रिजिडिटी थी,
सोशल इल्स के खिलाफ कैंपेन करने के लिए, ठीक है, और मीनिंगलेस रिचुअल्स के खिलाफ भी होते थे। तो 1814 में आत्मसभा, परसेप्ट ऑफ जीजस लिखी इन्होंने 1820 में, परसेप्ट ऑफ जीजस। सबसे फेमस 1828 में आके इन्होंने ब्रह्मो सभा खोला, ब्रह्मो सभा, बाद में इसका नाम ब्रह्मो समाज कर दिया, पहले सभा था बाद में समाज कर दिया, ये ध्यान रखना। ब्रह्मो सभा खोला था राजा राममोहन रॉय ने, सभा, समाज बाद में कर दिया था, 1828 में सभा था, समाज बाद में कर दिया, तो ब्रह्मो समाज। फिर केशवचंद्र सेन जुड़े तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया कर दिया, फिर केशवचंद्र सेन के कुछ जो है फॉलोवर्स ने केशवचंद्र सेन से नाराज होकर साधारण ब्रह्मो समाज बना दिया। तो इस तरीके से इनकी जो है पूरी लाइन चलती रही। राजा राममोहन रॉय के बारे में आप जानते ही हैं, ये कहते थे कोई नया रिलीजन तो लाना नहीं चाहते थे, कहते थे हिंदुइज्म को मैं रिफॉर्म करूँगा। राजा राधाकांत देव ने इनको अपोच किया, धर्मसभा बना के अपोच किया। तो ये जो है वेदास का उपनिषद का भी सहारा लेते थे, हालांकि सुप्रीम नहीं मानते थे किसी भी लिटरेचर को, पर ये कहते थे कि हाँ देखिए ये जो लिटरेरी टेक्स्ट है, हमारे जो इतने रिलीजियस टेक्स्ट हैं, ये भी सपोर्ट करते हैं मेरी बातों को, ठीक है। टाइटल की यहाँ पे बात चल रही थी, तो मैं एक बार टाइटल के लिए पढ़ा ही देता हूँ ना फिर आपको। देखिए टाइटल की अगर आपको हिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा किसने उसको टाइटल दिया, इसने उसको टाइटल दिया, मुझे बताओ महात्मा जो टाइटल दिया गया गांधी को किसने दिया, ये तो पढ़ा अपन ने अभी भी टैगोर ने। अच्छा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को क्या बोला था, फादर ऑफ नेशन। और एम जी रनाडे को क्या बोलते अपन, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अच्छा राजा राममोहन रॉय को राजा टाइटल किसने दिया, अकबर सेकंड, अभी पढ़ा अपन। तो फादर ऑफ द नेशन कौन, महात्मा गांधी, ठीक है। किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। भाई महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फादर ऑफ नेशन किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, गुरुदेव ने। और महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने। अच्छा महात्मा गांधी ने फादर ऑफ नेशन किसको कहा, महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन तो सुभाष चंद्र बोस ने बोला था, लेकिन महात्मा गांधी ने किसको कहा फादर ऑफ द नेशन, तो अपने से कोई सीनियर को क्यों बोलेंगे, कौन हो सकता है, दादाभाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादाभाई नौरोजी क्या कहते थे, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तिलक को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, किसने कहा था, वैलेंटाइन चिरोल ने। और राजा टाइटल मैं आपको बता ही दिया, अकबर सेकंड ने दिया था राजा राममोहन रॉय को। अच्छा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार टाइटल किसने दिया था, कहते तो ऑफिशियली हैं कि गांधी ने दिया था, लेकिन वुमेन जो बड्डोली सत्याग्रह की थी उन्होंने दिया था, इनकी स्किल देखते हुए कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्किल इनके पास जो है थी। और सुभाष चंद्र बोस को पेट्रियट अमोंग दी पेट्रियट्स या प्रिंस अमोंग दी पेट्रियट्स कुछ ऐसा ही कहा था गांधी ने। अच्छा नेताजी इसको किसको कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस को, जर्मनी में कहा था इंडियन सोल्जर्स ने, जो आज़ाद हिंद फौज बनी थी ना इंडियन नेशनल आर्मी उसने, ठीक है 1942 में। तो ये मैंने जो बोला एक बार अगर याद नहीं हुआ तो फिर से रिपीट करके देख लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। इनकरेक्ट ऑप्शन बताइए, ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले ने एक बुक लिखी सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, ठीक है। ईवी रामस्वामी ने पब्लिश किया जर्नल कुड़ी अरसू ने। इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हालांकि मैंने भी इनकरेक्ट नहीं देखा था, गलती से मैंने भी सी कर दिया, तो इसका आंसर जो है वो डी होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और बताना हमको इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ज्योतिबा जो है, ज्योतिबा फूले के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो है ये महाराष्ट्र में जन्मी थी, जन्मे थे, और इनको महात्मा टाइटल किसने दिया, विट्ठल राव ने, ठीक है। ज्योतिबा जो फूले थे उनको महात्मा ज्योतिबा फूले कहते हैं ना अपन, ज्योतिराव, महात्मा ज्योतिराव फूले। तो ये महात्मा किसने दिया, विट्ठल राव ने, ठीक है। सोशल एक्टिविस्ट थे महाराष्ट्र के, काफ़ी इन्होंने काम किया अनटचेबिलिटी के लिए, और इनकी वाइफ भी थी सावित्रीबाई फूले, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। दोनों ने मिलके, दोनों पहले नेटिव इंडियंस थे जिन्होंने इंडिया के अंदर फर्स्ट इंडिजिनियसली रन स्कूल खोला था गर्ल्स के लिए 1848 में पुणे में महाराष्ट्र में। और इन्होंने सत्यशोधक समाज, ये तो पता ही होगा आपको, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ फाउंड किया 1873 में। इनकी कुछ बुक्स भी याद रखना, कुछ वर्क्स भी याद रखना, गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी याद रखिएगा,
सत्यजोधक समाज याद रखिएगा, और तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अभी, तो इनके बारे में पढ़ते रहिएगा। ईवी रामस्वामी ने पब्लिश किया था जनरल कुडी आरासू, ये याद रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। ईवी रामस्वामी के बारे में पढ़िएगा। आजकल क्या है, यूपीएससी ना मेल लीडर्स के बारे में कम पूछ रही है, और जो फेरी फेरी पे लीडर्स नहीं होते, जो अल्टरनेट वॉइस इनको बोलते हैं, कि जो मतलब साथ काम करते थे हालांकि इनकी वॉइस इतनी नहीं आई हैं, ठीक है, आज में आज रिलेवेंस बहुत ज़्यादा इनका, तो वो ज़्यादा पूछ लेता आजकल यूपीएससी। करेक्ट ऑप्शन बताना है, पहला स्टेटमेंट इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, पहला सेशन की थी अपना 1887 में मद्रास में, और उसी टाइम पे उसी जगह जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सेशन हो रहा था, बिल्कुल सही बात। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोशल रिफॉर्म सेल भी कहते हैं, ये भी सही बात, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का सोशल रिफॉर्म सेल अगर पूछ ले तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस बता देना, इसको किसने ओपन किया था मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं तो देखो बुक में, ये बहुत जरूरी है, चीज़ें पता रहनी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कहाँ हुआ था, 1885 बॉम्बे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक है, तो याद रखिएगा। और शायद पहले जो लीडर थे वो डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, ठीक है, वो याद रखिएगा, मुझे इसको जो पढ़ लीजिएगा सारे जितने भी सेशन हुए थे, तो 1885 बॉम्बे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, 1887 में मद्रास में सेशन हुआ, वहाँ पे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का भी जो सेशन हो गया। और पहले मुस्लिम लीडर कौन थे, पहले मुस्लिम लीडर कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से जिन्होंने सेशन को जो प्रिसाइड किया था, बकरुद्दीन तैयब जी। और पहली वुमेन कौन थी, एनी बेसेंट। और पहली इंडियन वुमेन कौन थी, सरोजिनी नायडू। और तो मुझे कुछ याद आ नहीं रहा, पहले पारसी प्रेसिडेंट कौन थे, दादाभाई नौरोजी, ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए। ये स्पीशीज़ के बारे में बताना था, इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है कि वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक है, मवेली कहते हैं लोकल नेम में, और लिविंग फोजल भी कहा जाता है, तो इंडियन पर्पल फ्रॉग है, न्यूज़ में था, पढ़ते रहिए, इसको याद कर लीजिए। टाइगर कॉरिडोर्स के बारे में सही स्टेटमेंट बताना था, पहला था कि मैपिंग करते हैं, इसकी मैपिंग जो होती है टाइगर कॉरिडोर की वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी करती है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए जो है ये किया जाता है, नहीं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के जरिए किया जाता है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। टाइगर सेंसस कितने साल में एक बार होती है, 4 साल में। लायन सेंसस कितने साल में होती है, 5 साल में। डॉल्फिन 1 साल में, और एलिफेंट 5 साल में। देखिए लायन 5 साल में होती है लायन सेंसस, एलिफेंट सेंसस 5 साल में होती है, टाइगर सेंसस की 4 साल में होती है, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। पहली सेंसस कब हुई थी टाइगर, जवाब ऑफ जूनागढ़ के द्वारा, अभी एक्साइज हुई थी इसकी एक पुनः अवलोकन, माफ़ कीजिए मैं उल्टा बोल दिया, जो पहली जो लोयन सेंसस हुई थी वो नवाब जूनागढ़ ने की थी, टाइगर ने नहीं, वो टाइगर की सेंसस नहीं हुई थी, पहली जो लोयन सेंसस हुई थी वो नवाब जूनागढ़ ने की थी, हर 5 साल में होती है, ठीक है। और इसकी ये लोयन की ही एक्साइज हुई थी अभी, जो लॉकडाउन में कोविड-19 में पूनम अवलोकन नाम था उसका, ठीक है, लोयन सेंसस पहली बार हुई थी नवाब ऑफ जूनागढ़, ये याद रखिएगा, टाइगर नहीं, नवाब ऑफ जूनागढ़ पहली लोयन सेंसस, उसके बाद कुछ बार डिले भी हुई, फिर कंटिन्यू होती गई, तो याद रखिए हर 5 साल में होती है, लोयन सेंसस हर 5 साल में, टाइगर सेंसस हर 4 साल में, एलिफेंट भी 5 साल में होती है, और डॉल्फिन भी 1 साल में होती है। तो पहली लोयन सेंसस कब हुई, किसने की, नवाब ऑफ जूनागढ़। करेक्ट ऑप्शन बताना है, मैग्नेटोस्फेयर के बारे में। मैग्नेटोस्फेयर एक रीजन के अराउंड, प्लेनेट के अराउंड एक रीजन होता है जिसमें प्लेनेट का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करता है, सही है बिल्कुल। अर्थ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटोस्फेयर एज है पूरे रॉकी प्लेनेट्स में, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर होगा। देखिए मैग्नेटोस्फेयर हर प्लेनेट के अराउंड होता है सोलर सिस्टम में, मैग्नेटोस्फेयर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेकिन अर्थ के पास है। बनता कैसे है मैग्नेटोस्फेयर, क्रस्ट में आयरन नहीं होती, तो आयरन की जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी वजह से और कई सारे जियोमॉर्फिकल फैक्टर्स की वजह से मैग्नेटोस्फेयर बनता है आसमान में। तो मैग्नेटोस्फेयर जो बनता है उसके ऊपर जो रीजन होता है उसको मैग्नेटोपोज भी कहते हैं, और कई बार सोलर स्टॉर्म की वजह से टेल भी बन जाती है, पूंछ भी बन जाती है प्लेनेट के, और मतलब इस तरफ से सूर्य आ रहा है ना, जैसे सन जिस तरफ फेस कर रहा है प्लेनेट को, उसके अपोजिट साइड में एक टेल भी बन जाती है, टेल, उसको मैग्नेटोटेल भी कहते हैं। तो मैग्नेटोस्फेयर के बारे में पढ़िए, अर्थ के क्रस्ट में जो आयरन रहता है, जो मटेरियल रहता है, उसकी रेडियोएक्टिविटी की वजह से यहाँ पे जो इसका निर्माण होता है।
पढ़ते रहिए। HEIQ वायरल ब्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। ये टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फाइनल स्टेज में की जाती है। सिलर और विसिकल टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। न्यूज़ में था COVID-19 की वजह से, COVID-19 जो है इसमें एंटर नहीं हो पाता इसका वायरस, ठीक है, तो याद रखिएगा। और तो कुछ इसमें बताने लायक है नहीं। कोरोबोट पहला इंटरनेट कंट्रोल रोबोट है दुनिया का, पहला। अच्छा ये करेक्ट ऑप्शन बताना, मैक बाइंडिंग का मतलब है मैक और आईपी एड्रेस बाइंड हो जाना, बिल्कुल सही। इंटरनेट जब एसेस करते हैं तो हर डिवाइस को आईपी एड्रेस मिलता है, बिल्कुल सही। आईपी एड्रेस क्या होता है, आप इंटरनेट चला रहे हैं अभी, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको आईपी एड्रेस मिला हुआ है। इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं इसको, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस सुना होगा ना आपने, IP4 IPv6 आईपी एड्रेस होता है जब भी आप इंटरनेट चलाते हैं। इंटरनेट नहीं भी चलाए तो आपके फ़ोन को एक एड्रेस मिला होता है, परमानेंट एड्रेस होता है वो, मैक एड्रेस कहते हैं उसको। दोनों जब बाइंड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ तो उसको मैक बाइंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक बाइंडिंग, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये इंटरनेट, जो जम्मू कश्मीर में अभी जो रोक इंटरनेट की जो व्यवस्था हाल्ट की गई थी, तो उसमें न्यूज़ में था मैक बाइंडिंग। याद रखिएगा, मैक आपके फ़ोन को मिला होता है परमानेंट एड्रेस, कितने नंबर का होता है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। आईपी एड्रेस आपको इंटरनेट चलाते वक्त मिलता है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो बाइंड हो जाते हैं दोनों, तो मैक बाइंडिंग इसको कहते हैं। ससा का वा प्राइस कौन देता है? ससा का वा प्राइस कौन देता है बताओ? UNEP देता है, UNEP देता है। UNEP और कौन सा प्राइस देता है? मोदी जी को मिला हुआ एक प्राइस तो UNEP का 2019 में, चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और सीड अवार्ड भी देता है, सीड SWD। ससा का वा तो देता ही है, मैंने ऑप्शन बताया आपको। फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव भी UNEP देता है। एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड भी UNEP देता है। सीड अवार्ड, एशिया इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेंस अवार्ड, इन्फोर्समेंट अवार्ड, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, सीड अवार्ड, ससाकावा प्राइज, मोदी जी को मिला था चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2019 में, शायद सोलर पावर की वजह से मिला था, एक बार देख लेना क्यों मिला था, तो याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपके साथ, इसी तरह के रिविज़न करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।